लिया, मस्टर्ड में ऐसे डुबोया और ऐसे और ऐसे आ और एक्सप्लोरिंग ऑल कोलकाता मुझे बहुत भूख लगी और मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई आउट द बेस्ट स्ट्रीट फूड इन कोलकाता. सो राइट नाउ आई एम एट कुसुम रोल. सो दिल्ली में इतना अच्छा रोल नहीं मिलता टू बी वेरी फ्रैंक, बट हियर इज बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड दिस स्मोकी फ्लेवर इज यम. सो दिस आई एम गोना डेडिकेट अ स्पेशल एपिसोड ऑफ कोलकाता स्ट्रीट फूड डेफिनेटली, एंड दिस इज the one of the best role I have till date. So I want to enjoy this. So wonderful job, sir. सो गाइज कुछ दूर चलते ही, कुछ नहीं काफ़ी दूर चलते, आई जस्ट सर्च दैट बेस्ट फिश कोविराजी इन कोलकाता. सो देयर वर फर्स्ट नेम लाइक मित्रा कैफ़े. सो मैं हूँ अब मित्रा कैफ़े गरिया हाट वाले आउटलेट पे, उसके काफ़ी सारे आउटलेट हैं वैसे. सो आई ऑर्डर टू फिश कोविराजी. सो इट्स लाइक 252 का बिल है. सो अभी मैंने इसका नाम सुना है कि बहुत ज़्यादा फेमस है और काफ़ी अच्छा होता है. सो आई नेवर ट्राइड दिस. सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग फिश कोविराजी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. सो येस आई एम जस्ट वेटिंग कि कब मेरा फिश कोविराजी आए और मैं आपको ये बताऊँ कि वो एक्चुअल में कितना ज़्यादा अच्छा है. सो जस्ट वेटिंग. सो येस और स्ट्रीट फूड में ना एक तो हो गया रोल, एक हो गया आज का मित्रा कैफे और हमने एक कवर किया फुचकास और स्ट्रीट फूड एकदम स्ट्रीट जॉइंट्स है बहुत सस्ता वाला. सो वो हम ट्राई करेंगे. ये थोड़ा एक्सपेंसिव है स्ट्रीट फूड के नाम पे, बट अभी हम स्ट्रीट पे ही बैठे हैं. स्ट्रीट फूड लोगों ने टेबल के साथ आराम से हमें सीट दे रखी है. सो वी कैन ऑर्डर और सेट और वेट फॉर आवर फिश कोविराजी की कुछ अभी आए. और आई एम जस्ट होपिंग कि यू लाइक माई कोलकाता ब्लॉग्स बिकॉज आई एम रियली इन्जॉइंग, आई एम रियली एक्सपीरियंसिंग द ऑथेंटिक कोलकाता और ऑथेंटिक फूड. और आई जस्ट एक्सप्लोर लाइक अ सिटी गर्ल एकदम वॉक में. मैंने वॉक करके शायद आधे से ज़्यादा कोलकाता घूम लिया और बाय बस बाय मेट्रो और बाइक राइड भी ली उबर की. सो या आई एम रियली इन्जॉइंग कोलकाता. सो दिस इज़ माई लास्ट डे हेयर. सो टुमारो आई एम जस्ट प्लानिंग टू गो टू माई सिस्टर होम और वहाँ से मैं जाने वाली हूँ शायद दिल्ली बहुत जल्दी. और ये ब्लॉग्स आएंगे और आई होप कि यू जस्ट लाइक दिस वीडियोस और इफ़ यू डिड सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. और या सिटी ऑफ जॉय रियली समथिंग दैट यू नेवर मिस. इफ यू आर नॉट फ्रॉम कोलकाता और इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कोलकाता you should come to here at least once in a life, once in a while definitely. अगर नहीं आते तो ये बहुत सारा
सिटी ऑफ जॉय का जो जॉय है आप डेफिनेटली मिस करने वाले हो, सो मिस नहीं कर सकते। प्लान करना आने का और मेक श्योर कि आप गर्मियों में ना आओ, क्योंकि तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। और यस, यही थी, यही सारी बातें थी जस्ट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज। और बस अभी चप्पड़ चप्पड़ बंद करते हैं, सिर्फ वेट करते हैं फिश कोबीरा जी का और फिर बताते हैं। सो जो मेरा फिश कोबीरा जी है वो बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहा है, सो मन नहीं कर रहा कि मैं इसको खाऊं तोड़ के, बिकॉज इसका जो ऊपर का जो लेयर है लाइक नेट टाइप बना हुआ है, क्योंकि उसको एग से बनाते हैं ना, एग से बनाते हैं और ये बहुत प्यारा लग रहा है सीरियसली। बट नाउ आई एम गोना कट एंड ईट एंड देन आई विल टेल यू कि वो कैसा है खाने में। वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझसे पानी आ रहा है। और इसके साथ हमें सर्व किया है थोड़ा ऑनियन, क्यूम्बर और बहुत सारी मस्टर्ड सॉस जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो फर्स्ट बाइट, सीरियसली नाइस। और इसको मैं फटाफट फिनिश करती हूँ, ठंडा होने के बाद भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और मेरी फ्रेंड उसने अपने हाथ से उठा लिया है बिकॉज बांगाली हाथ दिए खेते हो खाओ, और अबांगाली ना हाथ दिए खाओ, हाथों से खाने का मज़ा ही अलग है। कभी ट्राई करो लाइक दिस, ऐसे लिया मस्टर्ड में ऐसे डुबोया और ऐसे आ और It was just too good. इसका टेस्ट बढ़ गया और हाथ से खाने से। ये समथिंग वेरी डिफरेंट, और जो ऊपर से इन लोगों ने एक का नेट वाला बनाया हुआ है उससे बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है एक तो, और सीरियसली मस्टर्ड सॉस यम। उसके बाद पिक्चर टाइम, ना फटाफट से फिनिश करती हूँ और हाथों से फिनिश करने वाली हूँ, ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर शूट के लिए कर रही हूँ, हाथों से ही खाती हूँ मैं। एक बात है हमारे लैंग्वेज में, कोनो पोथा होवे ना है, कोई बात नहीं सिर्फ खाना। एक तो हाँ थोड़ा ऑयल है, बट इतना ऑयल चलता है, इतना पैदल हमने वॉक कर लिया ना, हमने अपना सब कुछ मेटाबॉलिज्म फैट बर्न कर लिया, इतना ऑयल चलता है। আমার তো ভালো লাগলো, তোমার ভালো লাগলো? আমার ভালো লেগেছে। স্যালাড स्ट्रीट में बैठने का ना एक ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि इतना सब कुछ होता है ना कि आप देखते देखते खो जाते हो और आप खाना भूल जाते हो, सो इसका एक नुकसान भी है।